पहले कौन आया, अंडा या फिर मुर्गी, और कौन थे असली सेंटा क्लॉस, और क्या होगा अगर अंगूर को माइक्रोवेव में रखा जाए, जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें। और हाँ, लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्या आपको पता है पहले के जमाने में आईक्यू टेस्ट कैसे लिया जाता था, यह सवाल पूछ के कि पहले अंडा आया या फिर मुर्गी। क्या बोला तूने? क्योंकि मुर्गी पहले आई तो अंडा कहाँ से आया, और पहले अंडा आया तो मुर्गी कहाँ से आई। रिसर्च से यह पता चला है कि पहले अंडा नहीं बल्कि मुर्गी आई थी। यह खोज की थी ब्रिटेन की सेफील्ड और वार्विक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स ने। रिजल्ट में यह निकला कि मुर्गी के अंडे के खोल में ओवोक्लाइडिन नाम का एक प्रोटीन पाया जाता है, जिसके बिना अंडा प्रोड्यूस नहीं हो सकता, और यह प्रोटीन सिर्फ मुर्गी के गर्भाशय में प्रोड्यूस होता है। इसलिए यह कहना बेकार नहीं होगा कि पहले मुर्गी आई। बट अभी भी यह एक मिस्ट्री है कि मुर्गी कहाँ से आई। आपको क्या पता है कि अगर हमने देखना है कि अंडा ताजा है या फिर खराब, हमें उन्हें पानी में डुबो देना चाहिए। अब होगा ये कि ताजा अंडा नीचे चले जाएगा और खराब अंडा तैरने लगेगा। बट ऐसा क्यों होता है? जैसे जैसे अंडा खराब होने लगता है तो उसका व्हाइट पार्ट, जिसे हम एल्ब्यूमिन भी कहते हैं, सड़ने लगता है और गैस में बदलने लगता है, जिस वजह से अंडे की डेंसिटी कम हो जाती है और वो तैरने लगता है। देखो यार, हम सबको पता है कि मछलियाँ सिर्फ पानी में ही जिंदा रहती हैं, बट ऐसा क्यों होता है कि वह बाहर निकालने पर मर जाती हैं? आखिर मछलियाँ जिंदा तो ऑक्सीजन से ही रहती हैं, तो वो तो उसे हवा से भी मिल सकती है। देखो यार, मछलियों के पास हमारी तरह सांस लेने के लिए फेफड़े नहीं होते। इसकी जगह मछली में गिल्स पाए जाते हैं, जो कि पानी में सांस लेने के लिए सक्षम होते हैं पर हवा में नहीं। यही कारण है कि मछलियाँ बाहर निकालने पर मर जाती हैं। एक बैंक का नोट आखिर कितना बड़ा हो सकता है? शायद से हमारे एक हथेली के बराबर। बट अभी तक का दुनिया का साइज में सबसे बड़ा लीगल नोट, जो कि 1998 में फिलीपींस द्वारा छापा गया था, यह था 1 लाख पैसोस का नोट, जिसकी साइज की बात करें तो पूरे एक प्रिंटिंग पेपर के बराबर, एक्चुअल साइज बोले तो 8.5 बाई 14 इंचेस। और यह नोट उन्होंने स्पेन से इंडिपेंडेंस मिलने की खुशी पर छापा था, जिसके केवल 1000 पीसेस ही छापे गए थे, और यह एक गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है। क्या होगा अगर हम अंगूर को माइक्रोवेव में डालें? आपको पता नहीं तो बता दूं, अंगूर को अगर हम इस तरह से 2 हिस्सों में काटकर माइक्रोवेव में रखें तो एक भयानक विस्फोट भी हो सकता है। इसका कारण है अंगूर को माइक्रोवेव से मिली एनर्जी, जिससे अंगूर में आयनिक गैस या प्लाज्मा बनने लगता है, जो कि हीट और एनर्जी रिलीज करता है और फूट भी सकता है। इसलिए कभी भी अंगूर को माइक्रोवेव में ना डालें। क्रिसमस में सेंटा क्लॉस का इंतजार हम सभी को रहता है, ताकि हमें मनचाहे गिफ्ट्स मिल सके। बट सही कहूँ तो सेंटा क्लॉस एक रियल आदमी थे। यह थे 3री सदी के टर्की में रहने वाले सेंट निकोलस, जिन्हें बच्चों और लोगों से काफी प्यार था, और वे अक्सर जरूरतमंदों और बच्चों को गिफ्ट्स देते थे, वो भी शाम के वक्त जब सभी बच्चे सो जाते थे, क्योंकि उन्हें उपहार देते हुए नजर आना पसंद नहीं था। और वही निकोलस का डच नेम सिंटरक्लास, जो कि बाद में सेंटा क्लॉस बन गया, और पूरी दुनिया आज इन्हें इसी नाम से जानती है। अगर मैं पूछूं कि वह कौन सा देश है जहां प्रति व्यक्ति चाय की खपत सबसे ज्यादा होती है, तो आप बोलोगे अपना भारत, क्योंकि यहां ठंडा हो या फिर कड़कती गर्मी, चाय हमेशा लोगों के हाथ में ही रहती है। बट नहीं भाई लोग, अपना भारत तो बहुत पीछे है। वह देश जहां प्रति व्यक्ति द्वारा औसतन चाय सबसे ज्यादा पी जाती है, वह देश है टर्की। यहां पर पर्सन पर ईयर कंजप्शन की बात करें तो वह है 1300 कप्स, यानी कि 3.16 kg ऑफ टी। और वही इंडिया 750 ग्राम टी पर पर्सन पर ईयर कंज्यूम करता है। मिलते हैं नए मजेदार फैक्ट्स के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।